नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप विश्व नेशन देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है बिहार के लोगों के लिए, जहां पर सुधा ने बड़ा फैसला लिया है। 11 तारीख यानी कि अब से 3 दिन बाद जो है आपको अब दूध की कीमतों के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। सुधा की तरफ से जो जानकारी जो आई है निकल के सामने, उसके मुताबिक सुधा के दूधों में जो रेट है उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। स्टैंडर्ड मिल्क 3 रुपए लीटर, फुल क्रीम मिल्क 4 रुपए प्रति लीटर और डबल टोन मिल्क 3 रुपए, जबकि गाय के दूध में भी 3 रुपए प्रति लीटर जो है उसकी बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। 11 नवंबर से जो है नई दरें लागू करने का ऐलान किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, जहां पर सुधा ने दूध के दामों को में बढ़ोतरी कर दी है। पर लीटर के हिसाब से जो स्टैंडर्ड मिल्क है यानी कि जो सबसे उच्च क्वालिटी का मिल्क है उसमें 3 रुपए, फुल क्रीम यानी कि सुधा गोल्ड जिस नाम से आता है वो 4 रुपए, जबकि डबल टोन मिल्क जो है यानी कि जो जिसमें क्रीम का स्तर सबसे कम होता है वो 3 रुपए, जबकि गाय का जो दूध है उसमें भी 3 रुपए की जो बढ़ोतरी वो की गई। आपको बता दें कि 7 फरवरी को सब इसके पहले साल की शुरुआत में 7 फरवरी को कीमतें बढ़ाई गई, उसके बाद 21 सितंबर को कीमत बढ़ी और 21 सितंबर को जो कीमत थी वो करीब करीब 2 रुपए का एवरेज था, लेकिन इस बार जो कीमतें बढ़ी हैं वो औसत 3 रुपए। आप लेके चलिए, एक जो सबसे हाई क्रीम मिल्क है वो 4 रुपए, बाकी सभी तरह के दूधों में 3 रुपए के हिसाब से जो कीमतें हैं वो पर लीटर के हिसाब से बढ़ाई गई हैं। और इसके पहले इसी साल में जब 21 सितंबर को कीमतें बढ़ाई गई थी तो उस दिन जो कीमत बढ़ी थी उसमें 2 रुपए का इजाफा पर लीटर किया गया था। उस वक्त में टोन्ड मिल्क 45 रुपए का 1 लीटर, जबकि जो हाफ लीटर था वो 23 रुपए का था। फुल क्रीम मिल्क जो है वो 50 रुपए का था, उसके बाद वो 25 रुपए हो गया था और ये कीमतें बढ़ी हैं। यानी कि अब आपको सबसे एक नॉमिनल जो लगभग जो दूध आप खरीदेंगे यानी कि एक सामान्य सा जो पैकेट उसका आता है जो डबल टोन या सिंगल टोन मिल्क होता है उसके लिए आपको कम से कम अब 50 रुपए के आसपास 49 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। तो सुधा ने पर्व के इस मौके पर बड़ा झटका दिया है। तमाम तरह की महंगाइयों का हवाला देते हुए ये बात तय की गई है सुधा की तरफ से कि अब जो कीमतें हैं उसको बढ़ाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि जो कीमतें हैं उसमें 3-3 रुपए यानी कि अगर फुल क्रीम की बात करें तो उसको छोड़ करके बाकी गाय से लेकर के सुधा शक्ति, सुधा जो है जो आप येलो या पैकेट खरीदते हैं उन तमाम दूधों की जो कीमत है उसमें 3 रुपए का इजाफा किया गया। और 11 तारीख से यानी कि छठ महापर्व में खरना के समाप्ति के तुरंत बाद ही कीमतें बढ़ जाएंगी। यानी कि खरना तक सुधा ने इस बात का ख्याल रखा है क्योंकि त्योहार का मौसम है, अचानक से कीमतें ना बढ़े, लिहाजा खरना यानी कि 9 तारीख को जो है जो कीमतें हैं वो पहले वाले दर पे ही मिलेंगी। 10 को भी वही है, लेकिन जिस दिन छठ महापर्व संपन्न हो रहा है उस दिन ये कीमतें अचानक से बढ़कर के 11 रुपए, 11 तारीख को जो है वो कीमतें बढ़ जाएंगी। 3 से जो 4 रुपए है पर लीटर के हिसाब से वो कीमतों को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब सामान्य दूध जो है 50 रुपए प्लस लीटर में आपको मिलेगा, अगर आप फुल क्रीम ले रहे हैं तो इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। तो बिहार में सुधा ने बड़ा झटका दे दिया है, सुधा की तरफ से जो कीमतें हैं उसको बढ़ा दिया गया और ये जो है लोगों के एक तरीके से कहें कि जेब जो है उनको ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि दूध जरूरी इस्तेमाल वाली चीजों में आता है और उसकी कीमत बढ़ने से हर आदमी का जो बजट है उस पर बड़ा असर दिखने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।